बरेली की इफको फैक्ट्री गेट पर 3 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं। उनका कहना है कि भूमि तो अधिग्रहण कर ली गई कंपनी के द्वारा, लेकिन अभी तक उनको नौकरी नहीं दी गई, जबकि नौकरी देने का वादा किया गया था। अपनी जमीन गंवाने के बाद नौकरी की मांग को लेकर लंबे समय से किसानों का ये धरना प्रदर्शन इफको फैक्ट्री गेट के सामने चल रहा है और किसान यूनियन की मदद से ये पूरा आयोजन किया जा रहा है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद एक किसान की तबीयत खराब हो जाती है, जिसको पास के ही भमौरा स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी हालत काफ़ी गंभीर होती है, जिसके बाद उसको जिला अस्पताल बरेली रेफर किया जाता है। वहीं जिला अस्पताल बरेली आते आते रास्ते में वो दम तोड़ देता है, उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, जिसके बाद वहाँ पर मौजूद लोगों ने बताया। पान सिंह जानना चाहेंगे जो आज धरने के दौरान किसान की मौत हुई, क्या मामला, थोड़ा सी जानकारी दीजिए। ये हमारे गाँव के ही जय सिंह यादव ये धरना स्थल पर कल शाम आए थे और सुबह 11:30 बजे इनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत बिगड़ने पर इन्हें भमौरा ब्लॉक ले गए, वहाँ डॉक्टरों ने इनको ट्रीटमेंट किया, तभी इनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्होंने बरेली को रेफ़र किया और बरेली आने से पहले रास्ते में ही इनकी मृत्यु हो गई। किस बात को लेकर धरना दे रहे थे, कब से समय धरना चल रहा है? ये 11 दिसंबर 2021 से इफको फैक्ट्री के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन द्वारा धरना चल रहा है कि हम लोगों की ज़मीन इफको प्रोजेक्ट में ली गई और लिखित वायदा किया गया कि आपको नौकरी दी जाएगी और कुछ लोगों को नौकरी दी भी गई है और हम लोगों के साथ वायदा खिलाफ भी की गई, इसी के चलते ये धरना चल रहा है भारतीय किसान यूनियन की मदद से। अभी तक कोई आश्वासन मिला है? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। कब मौत हुई थी? आज ही मौत हुई थी। क्या करते थे? ये खेती किसानी करते थे।